Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aish Joshi, and you're watching me on Achieve IAS. So hope you all are well and enjoying the lockdown. You are doing the studies, you are going to continue your I can say with your passion. So here मैं आपका passion और increase करने और उसमें थोड़ा सा नमक मसाला डालने के लिए आ गई हूँ, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को, है ना। डेली बेसिस पे हम एडिटोरियल सेशन को जो सेक्शन जो है द हिंदू का, उसे डिस्कस करते हैं। सो सेम वी आर गोइंग टू डू टुडे आल्सो। टुडेज न्यूज़ एंड द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स विल बी डिस्कस्ड हेयर, ओके। सो फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जस्ट लीव एवरीथिंग एंड फोकस हेयर ओनली। द फर्स्ट आर्टिकल इज स्लो रिलीज, व्हाट इट इज। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको कि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है ना, और लेकिन ये भी फैक्ट है कि हम जो है लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही लॉकडाउन की दर कम भी हो रही है। मतलब जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम लॉकडाउन ओवर होने और COVID-19 से निकल के कुछ ऐसे कंडीशंस में आने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकें या नॉर्मलसी ला सकें लाइफ में, है ना। सो COVID-19 से ओवरकम करने के लिए लॉकडाउन का कम करना है, लॉकडाउन का बढ़ना है, लॉकडाउन ओवर होते ही हम COVID-19 से निकल जाएंगे, इस पेंडेमिक से निकल जाएंगे, ये टाइम जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वापस नॉर्मल से आ जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना। तो इसके लिए क्या एसेंशियल मेजर्स होने चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड द नेशनल लॉकडाउन। अब लाइव्स को और लाइवलीहुड्स को जो है बैलेंस करते हुए, अपनी नॉर्मलसी को देखते हुए या कुछ एरियाज़ को रिलैक्स करते हुए, हम सभी को पता है कि सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है COVID-19 के कारण। और ये कब तक बढ़ाया गया है, 2 वीक्स के लिए। 4 मई को अनाउंस हुआ है कि 4 मई से लगा के नेक्स्ट 2 वीक्स तक के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, ओके। और इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं कुछ एक्टिविटीज़ पर, है ना। बट द हाईली कंटेजियस वायरस हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड एंड द वीक्स अहेड प्रेजेंट अ चैलेंज टू स्टेट्स। अब देखिए, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बढ़ाने से, या लॉकडाउन जब 2 हफ्ते बाद अगर मान लीजिए ख़त्म भी कर दिया जाए, तो भी इस वायरस से हम निजात नहीं पा सकते। ये वायरस एकदम से ख़त्म होने जैसी चीज़ तो नहीं है, है ना। तो उसके लिए हमारे सामने कुछ चैलेंजेस है। एट प्रेजेंट हम कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं स्टेट्स के सामने। तो ये चैलेंजेस जो है, इनको ओवरकम करने के लिए दे मस्ट इंश्योर दैट द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन इन टर्म्स ऑफ अ रिलेटिवली लो डेथ टोल एंड द कैप ऑन न्यू केसेस आर नॉट रिवर्स ओवरनाइट इन द रेड ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स। अब हमें देखिए ये पता चल चुका है कि ये पेंडेमिक ऐसा नहीं है जिसे इजीली ओवरनाइट जो है ख़त्म किया जा सके, इजीली बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारी ज़रूरत क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, दे नीड टू वर्क कि हम जैसे भी इस कंडीशन से, लॉकडाउन के जो कंडीशंस है इस दौर से जब गुजर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि कैसे जो डेथ रेट्स है या डेथ टोल्स हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, नए केसेस को भी जो है स्टॉप करते हुए, नए केसेस की दर को कम करते हुए डेथ टोल्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है, ठीक है। वी नीड टू वर्क ऑन इट। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एरिया क्रिएट हो गया है। अब हमारे सामने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स आ गए हैं। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि इन जोन्स के ओवरकम करके, इन जोन्स के ऊपर जाकर कैसे काम करना है हमें, ठीक है। अब क्योंकि डिग्रीज पता चल गई है कि कहाँ कैसा क्या होना चाहिए, उस बेसिस पर हमें जोन्स के मुताबिक कार्य करना होगा। केरला की अगर बात करें तो वो बहुत सक्सेसफुली इस पेंडेमिक को हैंडल कर रहा है। उसने ये चूज़ किया है कि वो कुछ कर्ब्स जो है ग्रीन जोन्स के अंदर जो अलाउ करेंगे, सम कर्ब्स इवन इन ग्रीन जोन्स, ओके। अलाउिंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलाउ करते हुए, दो नॉट एट फुल पेस एंड सेम सॉरी अंडर
safeguards was inevitable, although the stipulations in the Home Ministry's order required a high degree of civic cooperation. अब देखिए होम मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री जो है उन्हें ये ध्यान में रखना होगा कि कैसे हम सेफगार्ड अप्लाई करते हुए फुल एरियाज़ के अंदर या फुल पेस को नहीं जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करते हुए कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तहत रेड ग्रीन और जो ऑरेंज जोन है उसके अंदर कैसे कार्य कर सकते हैं और किस तरीके से सिविक कोऑपरेशन मेंटेन करते हुए आगे जो है इस इन ऑर्डर्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत देखी जा सकती है. The continued suspension of air, rail, interstate and urban public transport and the bar on mass gathering and entertainment avenues remove a major source of crowding. देखिए कंटिन्यू जो हो क्या हो रहा है रेल एयर इंटरस्टेट या अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इन सबको क्या किया जा रहा है कंटिन्यू इन्हें जो है सस्पेंड किया जा रहा है कि अभी ये प्लेसेस ओपन नहीं होंगे. एंटरटेनमेंट के जो साधन हैं वो सब भी आपको प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं. ऐसे सारे सोर्सेज जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो सकती है या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम पैसेंजर्स को अलाउ नहीं कर सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं तो इस कंडीशन में हमने उन सारी जगहों को जो है अभी शटर डाउन करने की ही जो ज़रूरत समझी है. हमें लगा कि इन प्लेसेस को या इन जगहों को हमें एट प्रेजेंट ओपन करने की नीड नहीं है. ठीक है अब ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से अगर सही भी है तो भी हम इस स्टेप को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. ठीक है अब ऑल्दो द रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स अलाउड इन प्राइवेट व्हीकल्स एंड टैक्सी कैब्स. अब और क्या किया गया है जो गाड़ियाँ जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं जैसे कि टैक्सी है या जो कैब्स हैं तो इन सब के अंदर पैसेंजर्स की मात्रा को भी लिमिटेड कर दिया गया है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए. ठीक है तो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आप वर्क नहीं कर सकते और कुछ जो है प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए गए हैं उन प्रोटोकॉल के तहत तो उन एरियाज़ में काम होगा. ठीक है अलाउिंग आउट पेशेंट क्लिनिक्स टू रीओपन एंड द परमिशन गिवन फॉर प्लम्बर्स इलेक्ट्रीशियंस एंड अदर टेक्नीशियंस टू वर्क विद सेफगार्ड्स आर वेलकम. जबकि और क्या जो है दी गई है परमिशंस जो लेबर या वर्कर क्लास लोग हैं जो कि बहुत इलेक्ट्रीशियंस और लेबर्स प्लम्बर्स जो कि बहुत कम मात्रा में जिनकी अर्निंग होती है और उन्हीं से वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं उन एरियाज़ के वर्कर्स को अलाउ किया गया है कुछ एरियाज़ में वर्क करने के लिए. ठीक है तो द रिलैक्सेशन प्रोसेस कैन बी ईज्ड ग्रेटली इफ़ स्टेट्स अडॉप्ट हाउ टू अप्रोच एंड कम्युनिकेट टू सिटीजन्स क्लियरली. अगर ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है ये बहुत ईजीली और बहुत ग्रेट वे में जा कर के और अपने सक्सेसफुल जो है सक्सेसफुली हम इसे अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं लेकिन उसके लिए स्टेट्स को क्या करना होगा एक पॉलिसी को अप्रोच करना होगा. इट मीन्स हाउ टू कैसे जो है हम पॉलिसी को अप्रोच करेंगे एंड कम्युनिकेट टू सिटीजन्स क्लियरली और सिटीजन्स के साथ में क्लियरली कम्युनिकेट करने की नीड है. इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज प्रिवेंशन रिमेन्स द ओनली ऑप्शन. अब देखिए क्योंकि मेडिकल रेमेडीज़ के हमारे पास में अवेलेबल नहीं है. अभी लास्ट फ्यू डेज बैक हमने ये भी देखा था कि कैसे जो है किट्स के अंदर जो सर्विलेंस देखने को हमें मिल रही है जो किट्स आ रहे हैं जो कि COVID-19 के वो टेस्टिंग किट्स हैं वो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं. तो एक तरफ पॉजिटिव रिजल्ट्स का ना आना एक तरफ डेथ रेट्स का बढ़ना एक तरफ जो है कंट्रोल ना हो पाना ये सारी चीज़ें जो है पैंडमिक के अगेंस्ट बहुत बड़ा एक मेजर इशू है. ठीक है अब इन सब के चलते वायरस के अगेंस्ट बहुत सारे प्रिवेंशंस को अगर हम इम्पोज करते हैं तो कहीं जाकर हम इस वायरस को उससे लड़ सकते हैं है ना. अब फेस मास्क जो है या फिर हम कह सकते हैं हैंड वॉशिंग जो प्रोसीजर है फिज़िकल डिस्टेंसिंग ये हमने इम्पॉर्टेंट मेजर्स बताए COVID-19 से लड़ने के लिए. तो फिर फेस मास्क को मैंडेटरी कर देना चाहिए और जो कि किया जा चुका है ऑलरेडी. हैंड वॉश एंड फिज़िकल डिस्टेंसिंग को भी यूनिवर्सली जो है रिकॉग्नाइज किया जा रहा है प्रिकॉशन का एक सबसे बेस्ट वे माना जा रहा है. इसे सच मेजर्स आर अडॉप्टेड रिलेटिवली लेट इन इंडिया और हम भी इंडिया के अंदर जो है हमने ये चीज़ें थोड़ा सा कम हम कह सकते हैं लेट
का हम नहीं कह सकते, लेट जो है हमने इसको इम्पोज किया इन सारी चीज़ों को, ठीक है, जिसके अंदर विद पॉलिटिशियंस इनिशियली रिलक्टेंट टू इवन एडजर्न लेजिस्लेचर्स लीव अलोन इम्पोज स्ट्रिक्ट कर्व्स ऑन पब्लिक एक्टिविटीज़। उसके बाद में फिर भी कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि पॉलिटिकली हम कह सकते हैं या सरकार द्वारा एक बहुत मेजर स्टेप्स उठाए गए जिससे कि हम लोग पब्लिक को कंट्रोल कर सकें, पब्लिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें। बहुत हमें अप्रॉक्सीमेटली एक महीना लग गया माइग्रेंट वर्कर्स को देखते हुए कि वो ट्रेन प्रोवाइड करवाते हुए उन्हें वापस, एक महीने बाद हमने उन्हें ट्रेन प्रोवाइड्स करवाई है। सरकार के द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि कम मात्रा में डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इन लोगों को अपने घर तक पहुंचाया जाए वर्कर्स को। इनकी कंडीशन जो थी वो ऑलरेडी बहुत बुरी कंडीशन में थे, और उनके एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चों की जो पढ़ाई है, इस तो ये सारी चीज़ें या इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है कि वो अपने एरिया के अंदर वर्कर्स को फोकस करें, उन एरिया के वर्कर्स को के ऊपर कार्य करें, ठीक है। और ये जो कंडीशंस अभी हम देख रहे हैं उसके चलते सरकार की ये भी ज़रूरत है कि वो वेस्ट एशिया से या और भी कहीं से आने वाले जो वर्कर्स हैं उनको अभी कंट्रोल करें या उनको जो है आने से रोकें, उन्हें रोकना, या आने वाले टाइम में भी देखिए हम बहुत इजीली नॉर्मलसी नहीं ला सकते, हम बहुत इजीली इन सब चीज़ों से ओवरकम करके और एक न्यू जो है सेशन में या न्यू एरा में एंटर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। हमें इस माहौल को नॉर्मलाइज करने में, अपनी वापस नॉर्मल लाइफ में आने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे लिए सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि इस समय जो सिटीज़ बहुत फेमस सिटीज़ कहलाती है, बहुत प्लान्ड होती है, बहुत हम कह सकते हैं बहुत अच्छे जो जिनके अंदर मापदंड माने जाते हैं, जो शहरी मापदंड है जो मेजर लेवल पे देखे जाते हैं, जो बहुत हाई लेवल जो हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड माने जाते हैं, हम कहते हैं ये डेवलप्ड सिटीज़ के अंडर में आती हैं, उन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब वहाँ हेल्थ केयर इस लेवल पे है कि वहाँ रेड जोन्स क्रिएट हो चुके हैं, है ना। तो इतना अधिक मात्रा में जिन क्षेत्रों के अंदर केसेस देखने को मिल रहे हैं, हमारी ज़रूरत है कि हम उन क्षेत्रों में कार्य करें और अपने नॉर्मल लाइफ में आने के लिए हमें अभी बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा। और एक नॉर्मल लाइफ में आने के लिए हम कह सकते हैं हम क्राउडेड जो हम कहते हैं लोकेलिटीज़ के लिए या जो डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो गई क्योंकि इस क्राउडेड एरिया के अंदर जैसे एरिया में हम रह रहे हैं, जैसे देश में हम रह रहे हैं, हमारे लिए जो है ज़मीन इतनी नहीं है कि हम हर थोड़े टाइम में डिस्टेंस, अच्छा ये ज़मीन या और दूसरे मापदंडों की बात नहीं की जा रही, लेकिन अगर एक इन जनरल भी बात करें तो वी आर नॉट इन पोजिशन कि हम दूसरी चीज़ों को जो है इग्नोर कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग को ही फॉलो करें, इतने क्राउडेड एरिया में पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट मोमेंट टू स्टार्ट रिपेयरिंग दैट डैमेज। अब जो डैमेज हमने पिछले कई हम कह सकते हैं एक डेढ़ महीने में जो फेस किया है, तो अब हमारी ज़रूरत है कि हम उस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। और अब रिलैक्सेशन जैसे जैसे कि इम्पोज किया जा रहा है या लॉकडाउन के तहत जैसे जैसे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ये हमारी ज़रूरत है कि हम देखिए पहले वाली लाइफ में आने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा और उस टाइम में एफर्ट्स भी हमें ही लगाने होंगे, ठीक है। सो इट इज़ आर वर्क टू वर्क ऑन इट एंड इट इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस टू वर्क ऑन इट, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नो कम्फर्ट इन नंबर्स। क्या है ये? वही चीज़ है, COVID-19 से रिलेटेड है। इसके अंदर बताया गया है कि कैसे कंटिन्यूसली केसेस, देखिए केसेस डिटेक्ट ना होना कोई शर्म की बात नहीं है, है ना, या केसेस डिटेक्ट होना कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात ये है कि जितनी डेथ्स हो रही है उसे ना बताना, रियल डेटास को ना आउट करना। देखिए डेथ होना एक बहुत लाजमी स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं उसके तहत डेथ होना, डेथ की रेट्स जो है बढ़ना या फिर कंटिन्यूसली इफ़ेक्ट देखने को मिलना इस पैंडेमिक का, ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन सरकार द्वारा या अथॉरिटीज़ द्वारा इस डेथ रेट्स को कम बताना या अपने आप को प्रेटेंड करने के लिए, अपने आप को
जो है सेफ गार्ड करने के लिए इन सब चीज़ों को छुपाना, ये एक गलत चीज़ है जिससे कि लोगों में अनअवेयरनेस स्प्रेड हो रही है। इसी के साथ में लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे मात्रा दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही केसेस की, लेकिन डेथ कम हो रही है, तो लोग इसको लेके सजग नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इसके लिए ज़रूरत है कि सरकार और अन्य जो राज्य सरकार हैं या हम कह सकते हैं मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी ज़रूरत है कि वो लोगों को असल डेटा शेयर करे। गिवन जो डेटा है वो ऑथराइज नहीं है, अथॉरिटी द्वारा ज़रूर दिया गया है लेकिन वो फैक्ट डेटा नहीं होता हो दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली। आप जैसा कि एक एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल, क्या हो रहा है पिछले कई दिनों से वेस्ट बंगाल में सेम कंडीशन देखने को मिल रही है हमें, मतलब एक ही डेटा, नंबर ऑफ डेटाज आ रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है, वहाँ डेटा कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है कोविड-19 बढ़ते चल रहे हैं, लेकिन डेटा क्या हो रहा है गलत इंटरप्रिटेट किया जा रहा है या गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है डेटा को। तो इस तरीके से रॉन्ग डेटाज डिलीवर करना इज़ नॉट अप्रोप्रिएट मैनर टू हैंडल दिस पैंडेमिक। इस पैंडेमिक को हैंडल करने का एक कोई अच्छा तरीका या अच्छा वे नहीं है, या खुद को रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा वे नहीं है। वी नीड टू वर्क ऑन इट एंड ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट एंड मेडिकल अथॉरिटीज शुड वर्क ऑन दिस। ओके, तो ये हमने देखा था नो कम्फर्ट इन नंबर्स के अंदर। आप बिल्कुल इस आर्टिकल को खुद से पढ़ेंगे बिकॉज ये बहुत इजी आर्टिकल है। सारे डेटास दे रखे हैं कि किस स्टेट के अंदर कितने डेटास, कितने केसेस आए हैं, कितना रिवील किया गया है, कितनी कितनी चीज़ों को छुपाया गया है, तो ये सारी चीज़ें उस आर्टिकल में दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बन जाता है पेंडेमिक्स विदाउट बॉर्डर्स साउथ एशियाज एवोल्यूशन। ऐसे जो पेंडेमिक से जिससे हम गुजर रहे हैं, ये भी पेंडेमिक से रिलेटेड ही हैं। रेदर देन डिलीवर एन ऑटोक्रेटिक वास्टलैंड दी पेंडेमिक शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म द रीजन्स पॉलिटिक्स। अब ये जो एरियाज है वास्टलैंड को ऑटोक्रेट करने की जगह, ये ऑटोक्रेटिक डिलीवरी देने की जगह वास्टलैंड की, वी नीड टू वर्क ऑन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म द रीजन्स पॉलिसी। रीजन्स के अंदर जो पॉलिसीज इम्पोज की जाती हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है बिकॉज अभी ये टाइम नहीं है कि हम इस तरह के ऑटोक्रेटिक चीज़ों को फॉलो करें या कोशिश करें अपने आप को सुपीरियर शो करने का, है ना। तो पेंडेमिक्स के दौरान हमें ये देखने को मिला है कि सारी कंट्रीज एक लेवल पे आके खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो अपने आप को सुपीरियर कह सके, क्योंकि चाइना जो अपने आप को सुपीरियर मानता था या यूएस, सभी कंट्रीज इस पोजीशन में आकर खड़ी हो गई है कि जहाँ वो इकोनॉमिकली और प्लस सोशली, मतलब मैन पावर भी जहाँ पे बिल्कुल बहुत कम हो चुका है और बहुत इफ़ेक्ट किया है इन सब चीज़ों के कारण। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पेंडेमिक ऐसा दौर नहीं लेकर आया है जिसके हम अंदर हमें खुद को या खुद की ऑटोक्रेसी को शो करने की ज़रूरत है। वी नीड टू वर्क ऑन दोज एरियाज जहाँ से हम ये शो कर सकें कि हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेफ करते हुए आगे बढ़ना है, ना कि सुपीरियरिटी शो करते हुए। ठीक है, अभी हमें ज़रूरत है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें जो कि रीजन वाइज, एरिया वाइज जो है पॉलिटिकली, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ले लो चाहे मेडिकल एस्पेक्ट, पॉजिटिवली वर्क कर सके, ना कि उन चीज़ों को जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट शो करें। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की वो इसके अंदर आर्टिकल में दे रखी है। ये भी बहुत इजी पैराग्राफ है, यू शुड गो फॉर इट। द नेक्स्ट वन इज़ इंडियाज़ डिजीज सर्विलेंस सिस्टम नीड्स टू रिबूट, नीड्स अ रिबूट। क्या बताया है कि हमारा जो डिजीज़ सर्विलेंस सिस्टम है उसे रिबूट करने की ज़रूरत है इंडिया के। हम लोग बहुत, देखिए, देयर इज़ इनफ रीज़न टू फेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोविड-19 विद एग्जिस्टिंग इलनेस एंड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इन इंडिया। इंडिया में जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हमें कोविड-19 के साथ में देखने को मिल रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कोविड-19 के भयावह रूप का और हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ के, या हम कह सकते हैं मेडिकल जो कॉम्प्लिकेशंस है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, उन दोनों के बीच में हमें ये एक जो है हम कह सकते हैं लास्ट कंक्लूजन हमारे पास जो बचता है वो ये है कि हमें अपने आप को, मतलब इंडिया की जो डिजीज़ सर्विलेंस सिस्टम है उसे रिबूट करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने इस जो डिजीज़ सर्विलेंस सिस्टम पे वर्क करें
और इसके थ्रू आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उसे भी सफ़र होने से रोक सकते हैं खुद को, है ना। सो इन अ रिसेंट प्रेस ब्रीफिंग, अभी रिसेंटली एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हम कह सकते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है नोटिसेबल ट्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू COVID-19 केसेस इन इंडिया, उन्होंने एक रिपोर्ट जिसके ऊपर जो है अब गौर फरमाया, जिसके अंदर COVID-19 के केसेस के बारे में बताया है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर ये देखा गया कि 75.3% जो है डेथ कंसनट्रेटेड ऑन द एज ग्रुप ऑफ 60 ईयर्स एंड अबो, वो सब किसके ऊपर बेस्ड है, 60 ईयर्स प्लस पर, मतलब 60 या उससे ऊपर के लोगों की डेथ देखी गई है। एंड इन 83% ऑफ डेथ्स द डिजीज्ड वर बैटिंग प्री एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड हेल्थ कंडीशंस, और 83% डेथ केसेस उन पर देखे गए हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी डिजीज से सफ़र कर रहे थे, है ना। एविडेंटली इसलिए इस बेसिस पर कि हमारे पास में एविडेंस है, वी हैव रीजन टू फियर द नोवल कोरोना वायरस फॉर विच वी हैव नो स्टैब्लिश्ड क्योर। तो अब हम ये कह सकते हैं, हमारे पास प्रूव है कि हमें नोवेल कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास में उससे संबंधित कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है। हावेवर देयर इज़ इवन मोर रीज़न टू फेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ COVID-19 विथ एग्जिस्टिंग इलनेस एंड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। और देखिए, COVID-19 से डरना एक लाजमी चीज़ है, लेकिन उससे लड़ने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड ना होना, और ये दोनों मेडिकल जो है हम जो पिछड़े हुए हैं मेडिकल फील्ड में उसका और COVID-19 का बढ़ता प्रभाव, इन दोनों को देखते हुए तो हमें डरने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। द डिजीज़ इज़ लीथल फॉर दोज विथ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी ब्रॉट ऑन बाय एज, एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी इनफंक्शंस सॉरी इन्फेक्शंस और एसेंशियली माल न्यूट्रिशन। देखिए, ये जो हमें देखने को मिला है पेंडेमिक का असर, जहाँ देखने को मिला है वो बेसिकली उन लोगों पे देखने को मिला है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन या अदर जो है फिजिकल इश्यूज को सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, हम ये इवेंचुअली हम ये कह सकते हैं ऑल ऑन एन जो हम एवरेज या डिस्कशन कर सकते हैं कि इस तरीके की डिजीज़ हमें ये बताती है, या इस तरीके का एटमॉस्फेयर हमें ये बताता है कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ पर मेडिकल एरिया के अंदर वर्क करने की सख्त ज़रूरत है। और ये ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं जिसमें कि हम खुद को बहुत पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, हम पीछे पाते हैं, ठीक है। COVID-19 से ओवरकम ना कर पाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये फेयर वाली बात है। लेकिन उसी के साथ में उससे भी बड़ा फेयर जो है वो इस चीज़ का बनता है कि हमारे पास में मेडिकल या डिजीज़ सर्विलेंस सिस्टम ही अच्छा नहीं है। जब हम डिजीज़ को सर्विलेंस बेसिस पर जो है हम कह सकते हैं, या डिजीज़ डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, और डायग्नोस्टिक किट्स या सेंटर्स पॉसिबल वेज में प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, या बेस्ट वे के बेस्ट जो है हम कह सकते हैं फीचर्स के साथ प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, सो इट इज़ आर नीड कि हम इन्हें रिबूट करें। अगर ऐसा सब कुछ नहीं हो पाएगा तो हम क्या गारंटी ले सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम ऐसी कोई पैंडेमिक या और भी किसी भी तरह की बीमारी से ना जूझ पाएँ, है ना। अब अच्छा, इसी दौर में हमें ये भी पता चलता है कि 80+ एजेस के लोग, या जो इम्यूनिटी जिनकी लो हो गई है, उन लोगों की भी हमारे देश में कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उनकी उनके ऊपर ध्यान दिया जाता और वर्क किया जाता तो डेफिनेटली आज हमारे देश की ये कंडीशन नहीं होती, ठीक है। बिकॉज COVID-19 के पास एक बहुत अच्छा सेक्टर नहीं होता अटैक करने के लिए, और COVID-19 को अटैक करने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया मिल गया है। अब हमें ज़रूरत है कि हम उस एरिया पर वर्क करें, अपने सर्विलेंस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करें, और इसके लिए हमें बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं, इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, उसे फॉलो करना होगा, या उन्हें जो है लेने करने की ज़रूरत है, हमें उनको उन स्टेप्स को जो है फॉलो करने की ज़रूरत है जो हमारे इंडिया के अंदर सर्विलेंस सिस्टम, डिजीज सर्विलेंस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द टुडेज एडिटोरियल सेशन, हमने वो सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है डिस्कस करने की मैंने कोशिश की है, एंड पॉसिबली कुछ जगह पे मैं फंबल भी हुई है, तो उसका रीज़न है दैट आई एम नॉट दैट मच वेल, कि
कि मैं इसको बहुत अच्छे से डिकोड कर पाऊँ या मैं उसी वजह से फंबल जो है ज़्यादा हो पा रही हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी. वी नीड टू इम्प्रूव ऑन इट एंड डेफिनेटली कल हम और भी ज़्यादा आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे. सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.